रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं जनाब? माशाल्लाह से, माशाल्लाह से ईद हो गई, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया। ये देखिए जनाब, हमारे पौधे खिल उठे, हम खिल उठे, सारी पब्लिक खिल उठी। शफाक साहब देखे बाग के अंदर बैठे हुए, देखे सना सब्जी आप सुबह से। हाँ जी, हाँ सुबह से हाल दुहाई है, गर्मी गर्मी है। अल्लाह पाक ने सुन ली, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है जनाब। उसने कहा मेरे बंदों की ईद खराब ना हो, तो मौसम कर दिया खूबसूरत। तो जैसे कि मौसम हुआ है खूबसूरत, आप भी कर दें। हमारे चैनल भी बहुत ही खूबसूरत है, जन्नत हैप्पी फैमिली, इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो इशाल करिए, इंजॉय भाई। हम नहीं नहा रहे क्योंकि मैं तो अभी नीचे फ्रेश होके आई थी, वॉशरूम में जाके नहा के आई, तो ऊपर माशाल्लाह डबल। मैंने कभी मैं नहा नहीं रही, सिर्फ इशाल नहा रही है। वो देखे कैसे इंजॉय करिए। चाय ठंडे 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 पानी। ये देखे जी माशाल्लाह, हमारे पौधे भी हैप्पी हैप्पी ऐसे देखें, खुश हो गए। मेरा बेटा भी इंजॉय कर रहा है अपनी मम्मा के साथ। ये देखें सारे पौधे माशाल्लाह, ये देखें इतनी अंदर तक आ रही है सारे। ये देखें मेरे पाँव वगैरह सारी चीज़ें गीली हो रही है जनाब। मैं वो जा रही हूँ अंदर, क्योंकि ये देखें ये बैठे हैं बाप बेटी। सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी लग रही है। शुक्र करो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब कि हुआ मौसम अच्छा। और यकीन माने कहते हैं सर्दी मंजूर है, लेकिन अल्लाह जी गर्मी से बचाएगा, दुनिया आखिरत दोनों देती है। तो चले जनाब, आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें। मौसम को एंजॉय नाम कर रहे हैं, देख रहे होंगे दाढ़ी पूछ मान गई शाल की तो ज्यादा ही मान गई है आज। मैंने कहा शाल साहब पकौड़े की छुट्टी, आज मैंगो डिफरेंट, मजे मजे के खाएं। गर्मी में ठंडा मौसम और ठंडे मैंगो। ये जी माशाल्लाह आ गया कुर्बानी का जानवर, सामने क्या आ रहा है भाई, मैंने हाथ लगाना है। तो आगे हो जाओ ना, आगे हो जाओ, कुछ नहीं कहता, बस बॉडी पे हाथ टच करो ना, उस पर टच ना करो तो वो नहीं, फेस को ना टच करो, वो टेढ़ी आंख से देख रहा है, ये जन्नत है। तो जनाब खूबसूरत मौसम के साथ खूबसूरत इशफाक साहब ने खुशखबरी सी सुना दी जनाब। शाम भी खूबसूरत हो गई हमारी माशाल्लाह से। तो पहले ऊपर बैठ के मैंगो खाए, अब माशाल्लाह से मैंने कहा चलो तो शेक बना ले। इशफाक साहब गए थे मंडी, और मंडी से फिर उन्होंने फोन किया कि बकरा माशाल्लाह से हमारा आ रहा है। मैंने कहा चले खूबसूरत सी खुशी में हम जरा फटाफट शेक बना ले। तो ये मैंने रखे हुए, ये जन्नत तो मैंने ये काटे हैं, तो ये काट के शेक बनाते हैं, ठंडा करके शेक भी पीते हैं, और आपको फिर बकरा भी जनाब दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वो आ गया जी माशाल्लाह से जी, हमारा बकरा आ गया। ये देखो आए, देखे जी, उसका तो आने को दिल ही नहीं कर रहा इसका आने को दिल नहीं कर रहे। आज जी आज फूल सिंह वाला थोड़ा फलौज और जन्नत बाग बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जनाब आ गया हमारा माशाल्लाह से कुर्बानी वाला बकरा ले आया। पहले कह रहा था कनाडा से आया, क्योंकि ये देखे ना इसकी सारे ये भाई डिस्कस करेंगे, ये देखिए इसकी लुक कैसे है। सुबह इसको नहलाएंगे ना तो जरा नीट क्लीन हो जाएगा। वही ना, कोई खास किस्म की नस्ल का ही लग रहा है, ये इसकी लंबी सी टेल है। और जनाब इंग्लिश बकरा है, फिर इंग्लिश में बात करें है। पानी नहीं चाहिए साहब, खाना खा रहा है वो, उसे भूख लगी है। किकी ने नहीं ना देखा अभी जाना, किकी ने क्या किकी ने नहीं ना देखा अभी। हाँ शीप है, शीप है, लेकिन वो ज्यादा जोर नहीं आता, एक कार्टून में आता इधर इधर तक हर बार। नहीं इंग्लिश शीप
इसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाना खाने नहीं जाते। ऐसे निशान लगाया था ना, सुबह ने लाएंगे ना तो The next day. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जनता भी व्लॉग। तो सुबह हो गई है और आपको जैसे पता है हमारा बकरा भी आ चुका है, तो मैं आपको अपना बकरा दिखाती हूँ। इतना शोर किया हुआ सुबह से, अभी हो रहे हैं 7:30 और इसने पूरे घर को जगा दिया, पूरे घर को इतना शोर डाल रहा है। सच्ची में मैं क्या बताऊँ, किक्की जो है ना, किक्की गराज में नहीं जा रही इसके डर की वजह से। वो बोलता है कि डर के भाग जाती है, जैसे किक्की को अपने बच्चों की पड़ी हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हेलो बकरे, ये इंतहाई शोरकर है और किक्की। किक्की, हमारे घर में 3 किस्म के एनिमल हैं, एक पैरट्स, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, एक बकरा और हमारी किक्की। जी ड्राइवर्स, इसका नाश्ता रेडी हो गया, ये खा रहा है अपना नाश्ता। तो और मम्मा हमारे लिए अब नाश्ता बना रही हैं कि नहीं? आज आप भी नाश्ता करें जनाब, मौसम अच्छा हो गया तो पराठे शुरू हो गए। जी जनाब, सुबह सुबह बकरे ने हल्ला हल्ला डाले, इसने कर लिया नाश्ता, उसका मंगवा के पहले मैंने कहा उसको दे, इनको तो रोज ही खिलाते रहते हैं तो उसकी खिदमतें हो रही हैं। तो हमारे पास 2 दिन का मेहमान है, तो मैंने कहा पहले उसको नाश्ता करवाते हैं, फिर अभी जन्नत रहों के पराठे तैयार हो रहे हैं जनाब। यम्मी यम्मी। और भाई भी आ चुके ऑफिस से, बकरा अपना फीड खा रहा है। बकरा बहुत शोर करने लग गया था, इसलिए हमारे भाई को कहा कि इसको बाहर ले जाओ, ये बच्चों को देखता रहेगा, क्योंकि जब इसके हम बाहर जाते हैं ना तो ये चुप कर जाता है, तो इसका दिल लगा रहेगा। देखो बाहर भी नहीं जा रहा, पहले इसको बांधा हुआ था तो कि बाहर भाग रहा था। और अब हम इसको करेंगे छत पर जाके इसको हम नहलाएंगे, कि नहीं है नहीं करेगा, और इसके बाद क्या रहा सा बच्चा बन जाएगा। देखो मुकाबला जा रही है, देखते हैं आज मेरे मुंडे ऊपर छत पे चढ़ते कि बकरा चढ़ता है। ये देखे जनाब, आओ बच्चे बच्चे बकरा ऐसे इसको अपने लाना है, कहने ला ले जरा मेला हुआ है तो, पर मम्मन को सांस फूल गए। बकरा ऊपर आ चुका है और इसको बहुत मुश्किल से लाया, इतने मुश्किल से लाया ना इसको, और अब ये अपनी फीट खा रहा है, और अब इसको हम थोड़ी देर में नहलाएंगे। बकरे ने नहाना शुरू कर दिया, ये तो किक्की की तरह नहीं नहा रहा, किक्की तो इतना तंग करते नहाते वगे, ये तो आराम से नहा रहा है, ये तो बिल्कुल आराम से नहा रहा है। इसका साबुन मार रहा है, इसका तो बाल भी बहुत सख्त है। साल कहाँ जा रही है, क्या करने वो तो खा के जो उसके छिलके हैं। मम्मा ने छूट बोले मम्मा। ये चाल कह रही थी मम्मा मैं मैंगो खा लूं, खा लो, इसने खाया मैंगो, फिर मैंने इसे बोला कि ये मैंगो को के जो छिलके हैं ना ऐसे जाया क्या करने, ये खिला देते बकरे को जाओ। वो कैसे हमारा इंतजार कर रहा है, मेरी जान, ओए मेरी जान, ये बीच में हड्डी निकाले ना वो नहीं खिला देनी, उन्हें उससे खाई जाएगी ये। हाँ ये निकालो, गुठली निकालो, जल्दी दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। चलो ये दो उसको, कहाँ रखना है, रखना कहाँ है, ऐसे खिलाओ ना। बिस्मिल्लाह, मेरे तो मुझे ही दे दो। हाँ तो और क्या, बस आगे जाहिर है ना, आगे दफा ले जी, बस इतनी सी बात है, ले ले बस। आ उतरी, ये तो टुड मार रहे है ना, ओए ये पकड़ो, ले पकड़ो भाई, इसको तो आज नहीं गुस्सा आया खड़ा है, तो बांधा क्यों है, पापा को बुलाओ, पापा को इसको आके देखे, अब हम नहीं इसको देखेंगे। ओ मिनट में आपने घंटा लगाया इसको खाते, उसने माशाल्लाह झप मिनट में झपट चपट करके खा गए है ना, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। हम तो भाई तुम्हारे नजदीक नहीं आते, शाल के पापा आएंगे, बस अब उसने खा लिया, पापा ठहर के आएंगे। तो ये उठा लो साबुन, वो देखो सुबह ने लाया था यहीं पे फेंक दिया, बकरे का साबुन अभी, चलो उठाओ इसी में रखो ना, प्लेट भी धो देते हैं। सुनना
प्लेट भी धोते हैं और चलो मौसम काफी शुक्र अल्लाह का अच्छा हुआ, बारिश हुई है दो दिन से। भाई हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, हम तो नीचे जा रहे हैं। हम आए थे, हमने कहा थोड़ी ऊपर बैठते हैं, पर नहीं, बकरे के साथ लाड़ियां करे, बकरा तो बना भूसे में, तो हम जा रहे हैं। जब मैं पहले आई थी ना तो गुस्से में था, हाँ उस वक्त गुस्से में नहीं था, बस अब जानवर है, मूड का मर्जी का मालिक है, इंसान बिगड़ते पता नहीं लगता, तो वो हाँ वो बैठ गया। हमें बैठाने भी नहीं देता, बस हमें टुन मार के निकल रहे हैं घर से। तो जनाब हम चलते हैं नीचे, ठीक है, इंशाल्लाह आ गए हमारे गेस्ट। गेस्ट कौन से आए हैं आपको वो दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमने नीचे मैंने सारी तैयारी कर ली, अब बनाना है खाना, तो मैं जब तक बना रही हूँ खाना, आप पहले हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वो तो सब्सक्राइब बटन लाइक नहीं, साथ सब्सक्राइब भी शाल को नहीं ना आता, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।